और नीतीश कुमार जी से हम लोग आज टिप्स लेंगे, आने वाले 2025 का रणनीति तय करें। समझने के लिए है और आपस में जो चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। और बिहार का विकास कैसे हो, तेज विकास हो, इसके लिए हम लोग जो है ना कोशिश करते रहते हैं। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी सब आपस में मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे कि 2025 में एनडीए की सरकार मजबूती से बिहार में फिर से बनेगी। आज एनडीए गठबंधन दल का आपसी समन्वय का बैठक है, इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला के अध्यक्ष एवं प्रदेश के प्रमुख नेता सभी दल के आज इस बैठक में आए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, मैंने पहले भी कहा है कि एक राजनीतिक संस्था है और नीतीश कुमार जी से हम लोग आज टिप्स लेंगे और सभी दल आपस में प्रदेश से लेके बूथ तक आपसी समन्वय बनाकर आने वाले 2025 का रणनीति तय करें, इस पर आज विचार विमर्श होगा। एनडीए आपसी समन्वय के तहत ही आगे चुनाव में जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक से एनडीए गठबंधन दल को काफी फायदा मिलेगा। मिशन 225 की बात कही जा रही है, कुछ टारगेट निश्चित रूप से कोई टारगेट नहीं होता है, टारगेट तो मतदाता देती है। हम मतदाता के सामने हम खरा उतरे, इसका प्रयास रहेगा। समन्वय के लिए है और आपस में जो चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव को लेकर, उपचुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, उपचुनाव में तो आगे भविष्य की बैठक के लिए और भविष्य में कैसा लगता है कि एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं है आपस में? नहीं नहीं, ऐसी बात फिर आप निगेटिव बात मत करिए। और निगेटिव बात क्यों, आपस में ठीक नहीं इसलिए बैठक होती है, बैठक तो और आपस में बातचीत और अच्छे से आगे की चुनाव की तैयारी के लिए एक मुस्त होकर लड़ने के लिए होती है। बड़ा 200 पार बताइए, आज बैठक बुलाई गई है एनडीए विधायक एनडीए। देखिए, समन्वय बनाना एनडीए के सभी पार्टियों के बीच में और बिहार का विकास कैसे हो, तेज विकास हो, इसके लिए हम लोग जो है ना कोशिश करते रहते हैं। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी और ये एनडीए के समन्वय मीटिंग है, सभी लोग बैठ रहे हैं और बिहार के विकास पे बात करेंगे। मिशन 2025 को लेकर भी है उसको 2025 में 220 प्लस सीटें जीतनी है हम लोगों को और बिहार उसके लिए तैयार है, 13 करोड़ बिहारी तैयार है, हम लोगों को कैसे मेहनत करनी इस पे बात। अच्छा, गिरिराज सिंह जिस तरीके से यात्रा निकाला है, क्या उसको लेकर भी बैठक में वो भी शामिल हो रहा है? नहीं, ये कोई इशू नहीं है, ये नॉन इशू चीजें हैं, इस पे क्या बात होगी। एनडीए की बैठक बुलाई गई है सर, सब हम सब एक साथ हैं आज, सभी विधायकों के, सांसदों की और पदाधिकारियों की बैठक है, सब आपस में मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर लक्ष्य। जाहिर बात है एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। सर, एनडीए की आज बैठक बुलाई गई है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर बैठक हो रही है, सर कितनी बड़ी? ये तो एनडीए के सब नेता साथी हैं तो आपस में मिलते जुलते रहने की जरूरत पड़ती है। अभी उपचुनाव भी हो रहा है 4 जगह बिहार में, फिर जनरल इलेक्शन भी अगले साल होना है, तो स्वाभाविक रूप से एक साथ बैठने की जरूरत पड़ती है, तो आज बैठ रहे हैं। क्या 2025 में सर कितना कुछ टारगेट रखा गया है, लक्ष्य आप लोग का बड़ा है? भाई उतना अभी 2025 का अभी से सब सवाल क्यों पूछ लेना चाहते, इतना जान लीजिए कि 2025 में एनडीए की सरकार मजबूती से बिहार में फिर से बनेगी। सर, आपसी में कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी, क्या कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है, कोऑर्डिनेशन के लिए आपस में बैठ करके बीच में चर्चा करते रहने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग बैठ ही रहे हैं। विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती है सर, आप लोग? कोई चुनौती नहीं है। एनडीए की अलायंस की बैठक आज होने वाली है, बड़ा जाए। अच्छी बात है, सभी एनडीए के जो है हर समय होती रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक दल की बैठक होती है और आज उसमें और कुछ लोगों को जोड़ा गया है, माननीय सांसद को जोड़ा गया है और जिले के नेताओं को जोड़ा गया, तो ये अच्छी बात है। आगामी 2025 के चुनाव को लेकर भी इसको लेकर भी बातचीत होगी? नहीं, वो तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से बुलाया गया हम लोग देखते हैं। सिग्रीवाल जी, आज बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास में, बड़ा महत्वपूर्ण बैठक, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जो निर्णय लेंगे हम बिहार के विकास के लिए लेंगे, बिहार के जन जन तक, जन जन के समस्या के निदान के लिए लेंगे। पल्लवी जी, आज बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री? अरे भैया, माननीय मुख्यमंत्री सबको बुला के बैठाते रहते हैं, विकास के कार्यों पर समीक्षा होता है, वही है। हम लोग जा रहे हैं अभी बैठक में, अभी
आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर बैठक है, हम लोग सबों को बुलाया गया है, हम लोग जा रहे हैं, नमस्कार करेंगे सबों को। बिहार 25 में भी चुनाव होना है, उसको लेकर भी आप लोगों का टारगेट रखा गया, उसको लेकर भी? अरे 25 में तो मैंने टोटल का टोटल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन जो है कि जितने काम कर गए, जाने दीजिए थोड़ा हम लोग को बैठक। देखिए अब तो बैठक में जाने के बाद बैठक का औचित्य पता चलेगा, वर्तमान में जो हम लोग का उपचुनाव हो रहा है सारी तैयारी उसकी है, पहले उपचुनाव हम लोग का बीत जाए फिर उसके बाद अगला चुनाव क्या होगा वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन। आगामी 2025 में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो उसको लेकर भी आप लोगों की तैयारियाँ, एनडीए में आपसी समन्वय बना रहा है उसको लेकर भी? जी बिल्कुल, उसकी तैयारी तो उच्च स्तर की वो चीज़ है और उसकी तैयारी भी हमारे वहाँ शुरू हो चुकी है 2025 का, और 2025 से हम लोग को जो 2020 का लक्ष्य दिया गया उसको हम लोग पूरा करें। कितना कितना का लक्ष्य है आप लोग? हम लोग का 2020 का लक्ष्य, 2020 का लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। 2025 के चुनाव में 220 बिल्कुल एकजुट रहेगा। एनडीए क्यों एकजुट नहीं रहेगा? नहीं क्योंकि कई बार पाला बदला गया है, कई बार नहीं पाला बदलने का कोई बात नहीं। तो पाला जो बयान आ रहे हैं क्या उसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर चर्चा करेंगे, जो हिंदू मुसलमान की बातें ज्यादा चल रही है बिहार में? ये तो अब अंदर बैठक जाने के बाद पता चलेगा, वर्तमान में तो हमको लग रहा है जो हम लोग का उपचुनाव है सबसे पहले हम लोग की तैयारी उसी की चल रही है। सचमुच मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक है, एनडीए की बैठक है, तो हमारी सरकार है और हम लोग बैठ रहे हैं तो इसमें तो अच्छी बैठक होगी। तो आपका सवाल क्या है? अगले साल से चुनाव होना तो लगता है 2025 का चुनाव है, कोऑर्डिनेशन आपसी संबंध में चुनाव तो होगा ही, समय से होगा और हमारी सरकार है वापस आएगी। एनडीए दिखेगा जी बूथ पर, एनडीए कितना ताकतवर दिखेगा वापस सरकार में? हम लोग बहुमत के साथ आएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा है हम लोगों को। 25 में कितना टारगेट कितना रखा गया सर? बहुमत में है, बहुमत में रहेंगे। पता कि सर कहने का कोऑर्डिनेशन में कमी थी एनडीए में, माने बैठक करे तो कोऑर्डिनेशन की कमी है और बैठक नहीं करे तो कोऑर्डिनेशन है, ये सवाल ही गलत है। विपक्ष कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले बार सरकार बता देगी विधानसभा चुनाव, वो तो उनका काम है, तो इतना तो बोलेंगे ही ना बेचारे, इतना बोलेंगे। बैठक में शामिल होंगे? जी जी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं।